जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज हम लोग जानने वाले हैं कि अगस्त और सितंबर माह में जन्मे जो जातक हैं उनका स्वभाव, उनकी प्रवृत्ति, उनका नेचर कैसा होता है। हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में इसके पूर्व के महीनों के बारे में भी आपको जानकारी दी थी, तो इस क्रम में सबसे पहले जानते हैं कि क्या आपका बर्थ डे जो है वह अगस्त के महीने में आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगस्त माह में जन्मे युवा जो होते हैं वह कंजूस होते हैं। आपका जन्म यदि किसी भी साल के अगस्त के महीने में हुआ है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप एक नंबर के कंजूस होंगे। मेरे आसपास बहुत सारे अगस्त के जन्मे जातक हैं, हमारे दोनों कैमरामैन, हमारी प्रोड्यूसर सब अगस्त के हैं। आप अत्यंत टैलेंटेड और मनी माइंडेड हो सकते हैं। आप जितने सज्जन दिखाई पड़ते हैं, माफ कीजिएगा, उतने सज्जन आप होते नहीं हैं। आप साम दाम दंड भेद की नीति को मानने वालों में से एक होते हैं। लोगों को भला ही खूब, लोगों का भला भी आप बहुत खूब करते हैं, लेकिन मन ही मन उनसे रिटर्न की उम्मीद भी करते हैं। आप आस लगाए रखते हैं कि आपका भी इसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ निहित होना चाहिए, इनको आपके लिए भी कुछ करना चाहिए। ज़्यादा दोस्त सहेली बनाने में आप विश्वास नहीं करते, थोड़ा रिजर्व होते हैं। अगर तब भी आपके कुछ दोस्त हैं तो मान करके चलिए यह उनकी सज्जनता और उनकी दयालु प्रवृत्ति है, क्योंकि वह आपका मन जानते हैं कि आपका मन बहुत निष्पाप है, आपका मन जो है अंदर से साफ है। इसमें आपकी कोई बहुत बड़ी भूमिका या आपका कोई योगदान नहीं है कि वह आपके मित्र बने रहें, वह आपको हेल्प करते हैं। आप मित्रता में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, अपनी तरफ से चाह करके भी आप योगदान नहीं कर पाते, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन जाती हैं, यानी आप अपनी ओर से कभी दोस्ती निभा नहीं पाते जैसा आपको करना चाहिए। आप चाहते जरूर हैं, सोचते जरूर हैं, लेकिन वैसा आप कर नहीं पाते। आपकी प्रतिभा का जवाब नहीं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, कला, साहित्य और विभिन्न रचनात्मक विधाओं में आप अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। एक अलग आपकी पहचान होती है, आपके टैलेंट को अलग से लोग पहचानते हैं कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगा। आपके भीतर सौंदर्य बोध कमाल का होता है, यानी सौंदर्य को पहचानने की जो क्षमता है वह आपके अंदर होती है। आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, कोई ज़बरदस्ती आपसे कोई काम नहीं करा सकता। जिद या कहें बेकार की जिद आपको आगे बढ़ने से अक्सर रोक देती है, तो इसे आपको त्यागना पड़ेगा। कई बार आप खुद अपनी अच्छी भली तैरती नाव को डुबा लेते हैं और फिर शहीद होने का ढोंग करते हैं। इसमें वही बात बार बार आपके लिए कारण बनती है कि आप अपनी जिद से अपना नुकसान करते हैं। जबान के, अपनी वाणी के बेहद कड़वे होते हैं आप। लोग आपकी पर्सनालिटी से प्रभावित होकर के आते हैं और आपको सुनकर के कतरा करके निकल जाते हैं। आपके विचारों से थोड़ा सा उनको कष्ट होता है। आप खूबसूरत हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इस खूबसूरती के साथ साथ मन की खूबसूरती भी, खूबसूरती जो है वह लगभग लापता है, तो मन को थोड़ा सा और खुला बनाने की आवश्यकता है। आपको घमंडी कहना गलत नहीं होगा। पैसों के सामने रिश्ते नाते, दोस्ती, प्यार, संबंध आपके लिए सब बेकार है। कौड़ी कौड़ी का हिसाब रखते हैं, पाई पाई का हिसाब रखना आपका स्वभाव है। खासकर कभी किसी मौके पर आपको जब अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ जाएं तो आपकी सूरत ही उतर जाती है।
आप अक्सर अच्छे बिजनेसमैन, इंजीनियर, टीचर या फिर कलाकार होते हैं। प्यार के मामले में बुद्धू और बिगड़ैल भी होते हैं। हालांकि आप अपने आप को काफी स्मार्ट समझते हैं, लाइफ को लेकर के आप में एक खास किस्म की लापरवाही पाई जाती है। आपको लगता है कि जीवन किसी के भी साथ गुजारा जा सकता है अगर वह आपके शासन में रहने को तैयार हो। इसलिए अगस्त माह में जन्मे जो खूबसूरत युवा हैं, उनके पार्टनर अक्सर डल और एकदम साधारण होते हैं। अगस्त में जन्मी लड़कियां बेहद खूबसूरत होती हैं। आपको सलाह है कि अपने टैलेंट को आप बर्बाद ना करें। इतनी कलात्मकता हर किसी के नसीब में नहीं होती, तो आपका जो टैलेंट है, जो आपको गॉड गिफ्ट भगवान ने दिया है, जो आपका नैसर्गिक स्वभाव है, उसका आपको लाभ लेना चाहिए। आपके लिए लकी नंबर यानी आपके शुभ अंक बनते हैं 2, 5 और 9। लकी कलर आपके लिए शुभ रंग है स्लेटी, गोल्डन और रेड। आपके लिए शुभ दिवस यानी लकी डेज हैं संडे, फ्राइडे और वेडनेसडे। आपके लिए जो शुभ रत्न है वह है मून स्टोन। लेकिन जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि रत्नों का चुनाव जो है हर व्यक्ति को अपनी कुंडली विशेष के अनुसार करना चाहिए, तो आप एक बार कुंडली दिखा करके करें। वैसे ये महीने के अनुसार है, इसे भी आप धारण कर सकते हैं। आपके लिए जीवन में सफलता के लिए सुझाव यह है कि भगवान शिव की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए, और उसके साथ साथ शिव मंदिर में जब आप पूजा करते हैं, दूध और मिश्री अर्पित करके गरीबों के बीच में, असहायों के बीच में यदि आप वितरण करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, तो आपको फायदा मिलेगा। तो ये तो बात रही अगस्त माह में जन्मे जातकों की। आइए अब जानते हैं क्या है सितंबर माह में जन्मे जातकों का चरित्र, उनका कैरेक्टर कैसा होता है, उनका स्वभाव, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तानाशाह होते हैं सितंबर माह में जन्मे युवा। आइए जानते हैं, यदि आपका जन्म किसी भी साल के सितंबर महीने में हुआ है, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप दिल के अत्यंत उदार हैं, लेकिन एक अजीब तरह की सनक आप में पाई जाती है। अपने आप से आपको इतनी मोहब्बत होती है, इतना प्रेम आप स्वयं से करते हैं कि कोई थोड़ा सा भी आपके विरुद्ध कुछ कह दे तो आप भड़क उठते हैं। आप में सीखने और समझने की दक्षता अन्य की तुलना में कहीं अधिक होती है। खुद को कैसे निरंतर आगे बढ़ाया जाए यह कोई आपसे सीखे। लगातार आप कुछ ना कुछ सृजनात्मक करते रहते हैं। जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास आप कभी नहीं छोड़ते। स्वयं की प्रगति के लिए आप थोड़े से स्वार्थी भी कभी कभी हो जाते हैं। आपके सबसे खास मित्र को भी कभी पता नहीं चल पाता कि आपके अंदर अंदर क्या चल रहा है या क्या खिचड़ी पक रही है। आप जो कुछ भी सोचते हैं, जो भी चिंता करते हैं, वो सिर्फ अपने अंदर समेट करके रखते हैं। यकायक कोई उपलब्धि सामने ला करके आप सबको चौंका देते हैं। गुस्से के तो आप बादशाह हैं, लेकिन हमेशा इसी गलत फहमी में रहते हैं कि आपके जैसा विनम्र कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तानाशाही आपके रग रग में समाई हुई है। दूसरों से काम करवाना हो तो व्यक्ति के पीछे लगना भी, लोगों को आपसे ही, जनता को, दुनिया को आपसे ही सीखना चाहिए कि किस प्रकार अपनी धुन में आपको अपना काम कराना है, तो आप किसी व्यक्ति से कैसे पीछे लग के काम करा सकते हैं। अपने नजदीकी लोगों से आपकी जो भारी भरकम अपेक्षाएं हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। आप अपने लोगों से सोचते हैं कि वो आपके लिए बहुत कुछ करें, आपको किसी के लिए कुछ करना ना पड़े। यहां तक कि प्यार का इजहार करने में, अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने में भी आपका अहंकार आपके ऊपर हावी रहता है। आप शुभ ऊर्जा से लबालब रहते हैं, लबरेज रहते हैं, धुन के इतने पक्के कि आपके लिए काम के लिए 24 घंटे भी कम हैं, और 24 घंटे भी भूखे प्यासे रहकर के भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन बुरी आदत यही है कि आप चाहते हैं कि आपकी इस आदत का लोग हरदम गुणगान करते रहें, आपकी तारीफ करते रहें। आप तारीफ के इतने भूखे होते हैं कि हर समय कोई आपकी स्तुति गान करने वाला आपको अपने आसपास जरूर चाहिए। अक्सर चाटुकार आपकी इस कमजोरी का फायदा उठा ले जाते हैं, जिससे आपको बचने का प्रयास करना है। आप अपने आप को हर समय अप टू डेट रखते हैं, इसलिए आपका हर काम अप टू द मार्क होता है। किसी को कुछ देते हैं तो उसकी वसूली करना भी आप जानते हैं कि अगर आपने किसी को दिया, उसके रिटर्न में आपको कैसे उससे फायदा लेना, ये आपको मालूम है। आपको जीवन में संघर्ष भी खूब करना पड़ता है। सेल्फ मेड पर्सन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। खासकर अगर आप करियर के मामले में बेहतरीन पोजीशन पर हैं, तो हो सकता है कि प्यार के मामले में फिसड्डी हो। कहने का मतलब यही है कि जीवन के किसी भी एक क्षेत्र में हमेशा खालीपन रहता है। आप जिस क्षेत्र में लगते हैं, आपका पूरा ध्यान, सिर्फ पूरा फोकस वहीं पर होता है। सही मायने में कहा जाए तो आप अंदर से एक असंतुष्ट प्राणी भी हैं। हर समय आपको कुछ नया ना मिले तो आप कुंठित हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। आप में अगर जिद या बातों को पकड़ने की प्रवृत्ति थोड़ी सी कम हो जाए तो आप एक शानदार इंसान के रूप में याद किए जाएंगे। आपसे बेहतरीन पर्सनालिटी कोई हो नहीं सकता।
अक्सर सितंबर माह में जन्मे लोग बेहतरीन सिंगर, बहुत अच्छे विचारक, उसके कारण जब अच्छे विचार आते हैं तो बहुत अच्छे राइटर होते हैं, अभिव्यक्ति अच्छी होती है, एडिटर या साइंटिस्ट पाए गए। सितंबर माह में जन्मी लड़कियों का मन शीशे की तरह पवित्र, निश्चल और साफ होता है। इनमें विलक्षण प्रतिभा होती है, इनमें इस बात में कोई संदेह नहीं है, किंतु कई बार स्वयं को परम ज्ञानी समझने वाली ये कन्याएं अक्सर अपनी गलतियों के कारण सफलता से वंचित रह जाती हैं। इधर की उधर करने में, व्यर्थ की बातों में ज्यादा मन लगता है, तो इस तरीके के कामों से बचना चाहिए, यह आपके व्यक्तित्व के लिए ठीक नहीं है। इनमें कोई एक खास गुण भी अवश्य होता है, किंतु अभिमान के चलते ये उस गुण का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाती, या यूं कहें कि उसकी कद्र नहीं कर पाती। अपार रूप सौंदर्य की मल्लिका होती हैं, दुनिया के छल कपट से कोसों दूर ये महिलाएं अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाती हैं। इन्हें सलाह है कि सच्चे दोस्त असली मोती की तरह होते हैं, उन्हें सहेज करके रखना सीखें, यानी अपने संबंधों को महत्व दें। मतलब परस्ती से दोस्तों का कुछ दिन तक तो लाभ अवश्य मिलेगा, किंतु संभव है कि आप एक दिन बिल्कुल अकेली पड़ जाएं। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति से बचना चाहिए, आप खुले दिल से लोगों से मिलें, अपने संबंधों को ज्यादा से ज्यादा आपको महत्व देना चाहिए। आपके लिए शुभ अंक बनते हैं, लकी नंबर बनते हैं 7, 9 और 3। शुभ रंग यानी लकी कलर्स आपके लिए हैं ब्लैक, सी ग्रीन और गोल्डन। शुभ दिवस यानी लकी डेज है संडे, वेडनेसडे और थर्सडे। लकी स्टोन आपके लिए पन्ना और पर्ल है। आपके लिए सुझाव यह है कि पशु पक्षियों को, पंछियों को दाना डालना चाहिए, मछलियों को अपने घर में रखना चाहिए, और मछलियों को रखने का इक्वेशन है कि 9 गोल्ड 1 ब्लैक रखें और उनकी सेवा करें, मछलियों की सेवा करते रहें। निश्चित ही जीवन की सभी बाधाओं को पार करके आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।